जय श्री राम जी की। दोस्तों आज तारीख है 22 जनवरी और 2024 और आज का दिन सबसे शुभ है। आज के दिन की आप सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां। आखिरकार आज भगवान श्री रामचंद्र जी अपना 550 वर्ष के लगभग दूसरा वनवास काटने के बाद अपने महल में लौट आए हैं। 550 वर्षों का उनका लगभग ये वनवास रहा। अयोध्या में उनका भव्य मंदिर, उनका भव्य महल तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा है। आज वहां पर भगवान श्री राम लला जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आप सबको इस दिवस की बहुत बहुत मुबारक। हम लोग भी बहुत जल्दी दर्शन करने जाएंगे अयोध्या में, क्योंकि फिलहाल तो VVIP जो इम्पोर्टेंट लोग हैं देश के बड़े बड़े, उन्हीं को आमंत्रण था, वही लोग जा रहे हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे चिंदी चोर भी हैं जो कि नहीं जा रहे। आपको पता है वो कौन? वो है अलीबाबा 40 चोरों का टोला। उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, ये विपक्ष, आलू कचालू, लालू यादव, जो जितने भी हैं ये कचालू, ये नहीं जा रहे। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बात सुनी भी होगी, आपने दोहा वो सुना भी होगा। वो बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सब भूत प्रेत लोगों की योनि में है, इसीलिए ये लोग नहीं आ रहे। इनको डर लगता है क्योंकि ये भगवान के सामने क्या मुंह लेकर आएंगे। जिन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया, जो कांग्रेस पार्टी ये बोल रही थी कि भगवान राम तो काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा दायर किया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। वो क्या मुंह लेकर आएंगे, काले मुंह हैं इन लोगों के, ये साफ, ये नकली गांधी हैं, ये क्या गांधी है, ये पॉलिटिकल पार्टी से कोई मेरा लेना देना नहीं है, मोदी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने काम किया, योगी सरकार ने काम किया, सल्यूट है। इलेक्शन नहीं होने चाहिए 2024 में जो हो रहे हैं, लिख के ले लो, ये वीडियो दोबारा पोस्ट कर दूंगा, आएगी मोदी सरकार ही, क्यों, उसने ये काम कर दिया, लोग वोट डालेंगे। और सबसे बड़ी बात, बाबर की जो औलादे हैं उनके तो आज मरण हो ही गया है, क्योंकि बाबर की समाधि पे, जो बाबर का खोपड़ा है, खोपड़ा उस पे बन चुका है भव्य मंदिर, वहां पर विराजमान हो गए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। हालांकि मैं इनके बारे में, गंदे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, ना ही ये गांधी परिवार, ना ही ये कांग्रेस पार्टी, ना ही आलू कचालू पार्टी, कोई भी पार्टी, ना ही बीजेपी, किसी के बारे में बात नहीं करना चाहते। आज शुभ दिन है, लेकिन जो गुस्सा है, इन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया था इसलिए इनको गालियां पड़ रही हैं, सारा देश इनको जूते मार रहा है। और आप देखना मई में जो रिजल्ट आएंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, इनका क्या हशर होगा, आप देख लेना। आज ही नोट कर लो, वीडियो सेव कर लो, ठीक है। फिलहाल हम अयोध्या में जल्दी जाएंगे, फिलहाल अभी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ VVIP लोग जा रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा है तो सोचा कि घर पे ही झंडा लगाते हैं भगवान के राम का। तो जय श्री राम, भगवान आप सबका भला करें। और हमसे भी ज्यादा अगर कोई खुश हो रहा होगा तो वो होंगे परम भक्त हनुमान जी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक आज के दिन की, सारे देशवासियों को, सारी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारक। जय श्री राम।